सीरियल ये है मोहब्बतें के अपकमिंग एपिसोड में भल्ला फैमिली को शॉकिंगली पता चल जाएगा कि सारिका के बच्चे का असली पिता रोमी नहीं है। इस बात को सुनने के बाद रोमी पूरी तरह से टूट चुका होगा। तो आइए आपको ले चलते इस शो के सेट पर और सुनते हैं कि मिसेस भल्ला का इस बारे में क्या कहना है। टेलीविजन के मोर अपडेट्स के लिए देखते रहे हमारा चैनल। देखिए, हम पहले इस बात से बहुत दुखी थे कि रोमी एक्सीडेंट की वजह से इस नेमत से महरूम हो गया है, वो बाप नहीं बन सकता। फिर पता चला कि नहीं, सारिका के पास उसका बच्चा है और वो उसको जन्म देगी। तो हम लोग बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे, उसके खातिर हमने सारिका को भी बर्दाश्त किया। पहले मैं सारिका को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, उसके पैर पड़ के उससे हाथ जोड़ के उसको हम घर में लेकर आए, इतने प्यार से रखा। फिर पता चला कि वो जन्म दे दिया उसने, लेकिन वो देने के लिए नहीं तैयार थी। फिर उन सब हालात का हमने सामना किया और एट द एंड ऑफ द डे वो बच्चा हमारे घर आ गया। और बहुत ज़्यादा खुश थे हम सब लोग कि रोमी का बच्चा जो है वो अब हमारे पास है। और सबसे बड़ी बात ये कि रोमी का वंश आगे बढ़ गया है, लेकिन अब पता चला कि वो बच्चा रोमी का नहीं है। तो जाहिर है कि बहुत ही ज़्यादा बहुत बड़े सदमे की बात है ये, बहुत फिक्र की बात है, बहुत दुख की बात है। एक तरफ तो ये दुख कि अब उसकी जनरेशन आगे नहीं बढ़ सकती, और दूसरी तरफ ये दुख कि जिस बच्चे को हमने अपनी पलकों पर रखा था, आँखों पर रखा था, और इतना लगाव, इतना प्यार था उससे। ग्रैंड पेरेंट्स ही जान सकते हैं कि जैसे कहा जाता है कि दूध से ज़्यादा मलाई मीठी होती है, या असल से ज़्यादा सूद प्यारा होता है। तो जाहिर है कि बहुत ही ज़्यादा दिलो जान से प्यारा था वो बच्चा, वो जा रहा है, मासूम है, उसका कोई कसूर नहीं है। लेकिन उसे नज़रों के सामने भी रखें तो क्या होगा, वो याद दिलाता रहेगा सारिका के धोखे की। और उससे भी ज़्यादा मैं इस बात से खौफज़दा हूँ कि ये बच्चा जितने दिन हमारे पास रहेगा प्यार उतना बढ़ता जाएगा। अगर हम उसको रखेंगे अपना समझ के या अनाथ समझ के, जो भी समझ के हम अपने पास रखेंगे, जाहिर है हम उसको बच्चे को उतना ही प्यार देंगे जैसे दादा दादी को देना चाहिए। उसके बाद कहीं पता चला कि उसके माँ बाप ज़िंदा है या कोई और वाली वारिस उसे लेने के लिए आ गया, तब क्या होगा? ये बात सोचकर मैंने दिल पे पत्थर रखा और ये फैसला किया कि जब ये बच्चे ने जाना ही है कल नहीं तो आज, तो ये क्यों ना आज चला जाए। लेकिन जाहिर है कि ये बहुत ज़्यादा दुख की बात है और बहुत बड़ा फैसला है।